धनबाद में व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर फायरिंग मामले में धनबाद पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन में एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रंगदारी को लेकर प्रिंस खान के गुर्गों ने दीपक अग्रवाल पर गोली चलवाई थी, जिसमें शामिल सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों के पास से 5 हथियार और 15 गोली के अलावे घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कांड के अनुसंधान के लिए अलग अलग पुलिस की कुल 12 टीम बनाई गई थी। अनुसंधान के क्रम में पहले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राहुल सिंह, पिंटू महतो और विकास सिंह शामिल है। इन तीनों में 2 जमुई और 1 धनबाद के चिरकुंडा का रहने वाला है। इनकी योजना जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का था। वहीं धनबाद के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी अपराधी अपराध के नियत से अगर काम करेगा तो पुलिस उसे नहीं बख्शेगी। नेटवर्क है, उस पर हमारी नजर है। फाइनेंशियल नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं, तो फाइनेंशियल नेटवर्क पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों में आपको और, क्योंकि जो पूरा नेटवर्क हमारे सामने भी आया है और हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, उन पर हम लोग जल्द ही आपको उसके उस बारे में भी आप इस संबंध में आप लोगों को बुला करके हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। शुरुआती दौर जो फर्स्ट हम लोगों ने जो रेड किया था, जिसमें जो राहुल सिंह पकड़ा गया था, उसमें एटीएस ने हमारी काफ़ी मदद की थी और एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने राहुल सिंह और जो पिंटू महतो हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। अभी तक 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इन 7 अपराधकर्मी में 1 को गोली लगी है और बाकी कुछ लोग गिरफ्तारी के क्रम में घायल। हथियार 5 अभी तक बरामद हुआ है, 5 पिस्टल है, प्रॉपर अच्छा पिस्टल है, कुल 7 गोली, 7 और 8 15 गोली है टोटल। पहले जो तीनों गिरफ्तार हुआ वो कहाँ से हुआ था? फर्स्ट में जो तीनों की गिरफ्तारी हुआ, गिरफ्तारी जो पहली गिरफ्तारी तो हम लोगों ने जीटी रोड से किया था, बाकी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं, जिसमें जितने भी अपराधकर्मी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को क्लू मिलता गया, हमारी टीम अलग अलग, करीब 12 टीम इसमें बनी थी, अलग अलग टीम अलग अलग जगह रेड कर रही थी, 12 टीम अलग अलग जगह बनी थी, हम लोगों ने रेड करके अलग अलग जगह से सबको गिरफ्तारी की है। एक अपराधी को गोली लगी है, तो इसने क्या पुलिस के ऊपर हमला बोल रहा था क्या?